शैतान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आज़म मजरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़ीम हीरोज़ ऑफिशियल। तो दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। मैंने अपनी पहली तारीफ़ी वीडियो में आपको बताया था कि मैं हर आने वाली वीडियो में आपके लिए एक मौजूद हीरो जो है उसको ले के आऊँगा। तो आज मैं आपकी मुलाकात अपने जिस हीरो से करवाने वाला हूँ वो दोनों टांगों से महरूम है, वो चल नहीं सकता। चलना तो दूर की बात, वो बग़ैर किसी सहारा के खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और वो आज भी मेहनत करके रिज़्क़े हलाल कमा रहा है। वो सारा दिन रोड के ऊपर रिक्शा चलाता है बग़ैर दोनों टांगों के और रिज़्क़े हलाल कमाता है। तो दोस्तों, बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम अपने उस हीरो के पास चलते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ये रिक्शा चलाना कैसे सीखा या अपने रिक्शे में कौन कौन सी तब्दीलियाँ की अपनी जो फिगर है उसके मुताबिक, और किस तरह वो रिक्शा चला रहा है। तो आइए मिलते हैं अपने हीरो से। चलो जी, अज असी अपने मेहमान नाल गलबात शुरू करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, की नाम है थोड़ा जी? आसफ अली जी। आसफ अली साहब, की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का करम, दुआ कर रहे हैं। तो तुम ये दसो कि थोड़ी उम्र किन्नी है? कि उम्र साढ़े 33 साल। 33 साल हो गई है। तो मजदूरी थोन कदों तू है? ये डेढ़ साल उम्र आई उसलिए बनी। उसलिए? अच्छा जी, डेढ़ साल की उम्र तू ये हो गई? हाँ जी। अच्छा, की घर दे 10 दिन के की होया है? घर दे 10 दिन बुखार हुआ सी म्यादी। अच्छा, म्यादी बुखार है, पूरी हो गया। बड़े इलाज दूज की ठीक नहीं होया। अच्छा, इलाज करवाया इसका? बड़ा इलाज कराया जी। ते की डॉक्टर ने की दसया? कि डॉक्टर ने दसया कि पोलियो है। अच्छा। इन बाद 3 महीने दी गुजर गई है। अच्छा। तू ठीक नहीं हो सकदा। अच्छा। तू मजदूर हो जी। ते बचपन दे विच तुसी ये दसो कि तुसी बच्चियां नाल खेलदे हो या कल्ले बैठ के जेड़ा मणे उना तो बच्चियां तू या कोई बच्चियां नाल खेलदा जी? बच्चियां नाल तू खेलदे हो? बच्चियां दा रवैया थोड़े नाल की हो जांदा है? अच्छा सलूक करदे? अच्छा सलूक करदे? कोई तंग शंग तना करदे या कोई? उस तो इलावा जेडे बड़े ने, बड़े लोग हुण भी उहनां दा या किवें दा रवैया थोड़े नाल? बिल्कुल बहुत अच्छा रवैया। ते बहुत अच्छा रवैया? अच्छा, नहीं मतलब मुआशरे दे विच रहंदे होया तुसी अग्गे पिछे निकलदे भी हो बाहर, कोई लोग आवाज़ां तो नहीं कसदे या कोई ऐसे गल तो नहीं करदे? साडे नाल कदी नहीं किसे गल्ल दा बयान नहीं कीती। अच्छा, कदी कोई गल नहीं? गल तू जो मजदूर है तो तू किमें सोचा कि मैंने भी कोई ना कोई काम करना चाहिए? घरों बाइया को अबू को खर्चा ले दिया सही। अच्छा, तो दिल बड़ी गाट जाती सी यार, लेकिन वो महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन अपने दिल ये नहीं अपने आप महसूस हों कि यार मैंने भी कोई ना कोई काम करना चाहिए, मैं घर वाले बोझ जाऊँ या इस तरह महसूस हों? हाँ जी। अच्छा, तो फिर? फिर रक्षे का वाल भाई ने सिखाया है। अच्छा, रक्षा दे दी। तुसी जो मजदूर हो तुसी कोई सौखा काम भी जेड़ा है वो कर सकते हैं, कोई दर्जियाँ वाला काम या कोई जेड़ा बह के बंदा कर सकता है या कोई, तुसी ये रक्षा च लेने क्यों सीखिया? भाई चलाते सन मेरे। अच्छा, तो इस वजह मैं आसानी से वाल सीखना और चलाना उन्हें सिखा देना सी इस वजह तो। अच्छा, थोड़िया लत्तां नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी तुसी वो किस तरह चला रहे हो? फिर तुसी ब्रेक किस तरह लगाते हो या किक किवें मारते हो या कोई? और जेड़े भाई ने मेरे वाल सिखाया से ना जी जी, उस ब्रेक दूजे पास से करा दीती है और केक हाथ से करा दीती है। अच्छा अच्छा, फिर हाथ नाल तुसी मारदे हो ते उस बाद ब्रेक दूसरी साइड जेड़ी थोड़ी कुछ थोड़ी जी लत कम कर दी है या कोई उस पास से कर? हां जी, उस पास से कर दीती। वाह जी वाह। ते कैसे बना के दीता इस तरह दा, किमे गवेड़ आया थानू केंज दा, कोई रक्षा बना लिए या कोई किसने बना के दीता थानू? मैकेनिक ने। अच्छा, मैकेनिक ने? मैकेनिक थानू ब्रेक भी दूसरी साइड ते लगा के दे छड़ी ते केक भी जेड़ी? हां जी, ठीक हो गया। ते कितना कमा लेंगे? 500-600 रुपया कमा ले। 500-600 रुपया दिहाड़ी कमा ले दी? माशाल्लाह, तेने नाल गुजारा हो जाता है? हाँ जी, बहुत अच्छा खासा गुजारा हो जाता है जी। चलो बड़ी गल। हुण जदों तुसी खुद कमा के ल्याउंदे हो और घर वाले नूं दिंदे हो ते की थोनू महसूस हुंदा, किवें दा महसूस हुंदा? हुण दिल च बहुत खुशी हुंदी कि यार तंदुरुस्त बंदियां नूं मैं मिसाल है, मजदूर कोई कमा के खवा रहे आ मिसाल है, जो पैसे कमाना अबू रन देना सौदा घर दा ल्याउंदे ने निजाम चार, दिल च बड़ी खुशी महसूस हुंदी है। अपना गुजारा तुहाडा हो रिहा जी। ते हुण घर वाले दा रवैया तुहाडे नाल की है जी? बहुत अच्छा रवैया जी। अच्छा, यानी पहले भी बड़ा अच्छा सी लेकिन हुण उस तों भी अच्छा जिहड़ा है रवैया तुहाडे नाल जी? हां। अच्छा, तुसी ये दसो ਬਜੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹਲੇ, ਬਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਛੜਿਆ,
अच्छा म्यूजिक नाल भी दिलचस्पी है? हाँ जी है। अच्छा ते म्यूजिक नाल थोन दिलचस्पी ते तुसी ये दसो कि थोड़ा पसंदीदा गुलूकार कौन है? तालब हुसैन दरद। तालब हुसैन दरद, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, क्या बात है जी। तालब हुसैन दरद वाकई जी एक लैजेंड ने और बहुत वड्डे गुलूकार ने पाकिस्तान के, और वही इन्हां दे पसंदीदा गुलूकार भी ने। अच्छा ते उन्हां दे अगर थोनों आखिए कोई गाना गुनगुना के सुना दोगे? सुना देंगे। चलो सुनाओ खा जी। जरंद दारू नहीं लभदे लगदे बाजारू नहीं लभदे। आसफ अली साहब तुसी ये दसो बे घर दे विच थोड़ी सब तो ज़्यादा अटैचमेंट किन दे नाल है? सारे नाल ही, और ज़्यादा जी भाई शफाकत साहब रंद नाल है। अच्छा। उन्हें सारा रक्षे का वाल सिखाया, सारा दसिया पुछया साडे उस्ताद साहब ने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी आसफ अली साहब तुसी एंड दे ना जेडे बाकी मजदूर ने, यानी दुनिया के बहुत ज़्यादा मजदूर ने, मजदूरी अल्लाह लूँदी है जी, तुम हूँ उन्होंने की थोड़ा पैगाम है, की तुम उन्होंने पैगाम देना चाहोगे? मजदूर होना एड्डी वड्डी कोई गल नहीं, उन्होंने चाहिए कि वह अपनी मेहनत करन, दिल ना हारन जी जी, अगू अल्लाह पाक चंगी करेगा। ठीक है आसफ साहब, थोड़ी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया तुम साढ़े टाइम कढ़िया, तो बाकी हूँ तुम सू रक्षा चला के भी विखाना है। ठीक है सर। कि तुम बगैर दोवें लत्त तो किस तरह रक्षा चलेंदे हो, ब्रेक तुसा कितने लगवाई है, किक तुसें कितने लगवाई, साढ़े नाजरीन जड़े ने वेखना चाहते हैं कि आसफ अली साहब जड़े ने दोवें टंगा तो मजूर ने, इसके बावजूद रक्षा चला के रिजकिया लाल किस तरह कमा रहे हैं। तो फिर चलने आसफ।